बाबे को बचा ले। आप हाँ देखो, हाँ, तीसरा कबूतर आपके हाथ में आया, पकड़े ना, तीनों कबूतरों का जोड़ खुला है। पहले तो ये बात की आप अक्कासी करें ना, ये बात को जो है आप मोहर लगाए, ठीक बंद है जी, जोड़ बंद जोड़ वाले ना, वाले मैं क्या बताता हूँ, खुले वाला रखना चाहिए बंद वाला, ठीक बंद वाले। है जी। जो बंदा जो बात बता रहा है ना आपको, आप जाके उसके वर्ड से देखो, उसकी बातों से मैच कर रही है। तो ये मैं नहीं रखता कि बंद जोड़ खुले जोड़ का कबूतर उड़ने का क्या फर्क मेरे क्या है इसका। भाई, मेरे से बात ही ना करो, ये साजी बैठे हैं, पूछो। नहीं हाँ, जब मैं इन्होंने स्टैंप लगवानी है कबूतर जल्दी को, दो कबूतर लगवाने हैं, 5 बजे तक उड़ते हैं, जी। गर्मी आ गई, अब जेठ आ गया, जी दोनों कबूतर 5 बजे तक उड़ रहे हैं, एक जोड़ बंद वाला है, खुले वाला है, किसको प्रेफर देंगे मोर लगवाने के लिए? बंद वाले को। साहब तुसी भी सुने हैं, मैं भी कई जगह इंटरव्यू किए ने उस्ताद के नाम नाम से लवन का, देखो तुसी जी, सुने वो कि वो कहते यार असि खुले जोर का काश कबूतर भाई, शांत के भाग देखे है, ओदी की वजह। कबूतर हर कोई उड़ता है लाल, कबूतर हर कोई उड़ता है, लेकिन आवे के बंद जोड़ क्या बात है, एक दुब क्या बात है, पल्ला गिरा वे वो क्या बात है, कई 3 पल्ले उच्चे होते ने, ठीक है, वो ज्यादा गहराई करते ने, किन्ना 10वां छोटा है इधर, कबूतर ठीक है अगे, मतलब लैन ब्लड लैन चलाते ने। कल है गया भाई जी इधर, मैं तुहानू मैंने पिछले दिन जे हाज साहब बैठे, कहता यार बाबे की बड़ी अकल है। मैं क्या हाज साहब वो किस तरह? कहता जी मैनू बाबा जी ने कबूतर मेरे उ डेरे में जाके वेखे, तुम गल हम दसन लगा जे मेरे ना हाज साहब ने की है। कहता सही जी बाबा जी ने वेखे, कहता यार इन्हें च बड़ी अकल है, हैरान नहीं घर पै जाने। और यकीन करो अज तक हाज साहब ने रात बाहर नहीं कटे, हाज साहब राणे कड़ के वो कबूतर डालते शाम को, अच्छा वो कबूतर दोवे कार रोजर रहते, पता नहीं कितरों रात दोवे कार आ गए। आज साहब कहता मैं सिर पाड़ के बह गया, यार बाबा जी का की देर। और यकीन करो इधर हाई साहब ने कदों दसिया, मैं आप फिर मैं हाई साहब किस तरह हो सकता है? कहता कसमे मौल साहब एक दिन ही बाहर कटे कबूतर, नॉलेज बाबा जी कहते इन्होंने इन्नी को अकले कार आ गए। और यकीन करो देखो ना, मैं अकल मतलब रखना एक चीज की पहचान रखने वास्ते नॉलेज चाहिए ना। वो अनोलेज बाबा साहब चाहिए, तो है, असि बाबा मानते हैं साहब, बाबा साहब को है, बाबा साहब को उसी का है। एक सवाल है। लेकिन ओ भाई लैंग्वेज जी, बता दो विकास बोलो, भाई मेरी गल सुनो, दिन दी दा होती गल रह गई, रात ही इधर मैनू हाई साहब ने मेरे नाल कीता, ते कहंदा यार मैं ना मतलब देखो जी, हुण हाई साहब अज दे कबूतर वेज नहीं करते पए, बिल्कुल साहब असीं हुण अज कहते दे कबूतर नहीं बाज नहीं करते पए, ने असीं बाबा जी तो गल, मैं आप परेशान हो गया, मैं कहा यार बाबा जी ने मिलना चाहिए, बिल्कुल साडा मतलब किस लिए पहले तुसी भी, आज आए जी साडा मिलन। पहले भी मतलब ना एक दिन टाइम होया सी, तो लेकिन मैनू कितने काम जाना पै गया, बाबा जी ने कहा आओ तुसीं, ते मेरे को नहीं आया गया। बिल्कुल मेरे तो साथ ने, मैं तो सिर मथे दे गए ने, जो मर्जी नहीं आवे बाबा ना जी मेरी बात एक छोटी सी साडा पूरी ना घर। करे। मैं कहता हूँ बाबा जी, अब एक छोटा है मेरा सवाल, और मेरे साहब ने कहा कि 10वां पार छोटा है तब भी ठीक है, 9वां बड़ा है तब भी ठीक है, बंद जोड़ है तब भी ठीक है, तो कबूतर गलत कड़ा है हेलो, या किस चीज सवाल ने है आपको साबित करना है? ना दान ने, कोई। दोनों कबूतर 5 बजे बिल्कुल बैठ रहे, ठीक है जी। जो उड़ाने वाला मैं ना कहते जी यार देखा कि तो मैं बाद उड़ाना चो फोन कर ज्यादा बेहतर है नहीं। जी जोड़बंदी से ना, एक जुज है हर चीज का, अगर जोड़बंदी कोई चीज नहीं तो सारी दुनिया पागल है, वो 3 दिन 2-3 घरों में ही आके घुसती है, पागल है वो, 2-3 घरों में घुसती है, उन्हीं की आगे बढ़ लेने की कोशिश करती है, कि जब जोड़बंदी अगर मुश्किल नहीं है तो फिर तो हर कोई अपने घर में जोड़बंदी कर ले। अब एक कबूतर है ही बंद जोड़ वाला, उसका जोड़ खुल जाता है, वो मेरे कबूतर सोने देखा है कैसे खुल आपने? जाता है, कैसे खुल जाता है? सर तो कभी आप कहते थे कभी उसको कभी कोई ऐसा देखा घोड़े के खड़े खड़े एक लात टूट गई, तीन लातों में खड़ा हुआ है, फिर क्या फजूल बात कर रहे हो कबूतरबाजी में? प्री मोल्डिंग में जिस वक्त बढ़ जाता है उस वक्त उसका जिस्म नाजुक हुआ होता है, कच्चा होता है, देखा वो कोई कोई भी परिंदा हो, ठीक है जी, जिस वक्त वो क्रीजिंग के टाइम में है उस वक्त आप उसको हाथ लगाओ तकलीफ में होता है, सही। उसके गुल्ले होते हैं, कच्चे पर होते हैं, कच्चा हुआ होता है, उस वक्त बड़ थोड़ा बहुत जोड़ खुला कर लेता बिल्कुल बंद। उस्ताद जी ए जड़ा गया है, ए भी उनका ही पुत्र है, माशाल्लाह इनकी भी माँ चेंज है। सही। बाबा जी लोग कहते हैं ब्लड उड़ता है ना, जोड़ ना लैंड ओ लगता भाई है। ना, उन्होंने कबूतर बेचने होंगे ने, आप पूछो ना जेडे की उड़ा रहे ने मेरे सोने हो, नहीं तो ब्लड जिन्ह ने लेने कबूतर हकीकत बेचने ने, जट जी तुसी गल कबूतर बेचने ने, तुसी बड़े झूठ मारने ने। नहीं, मैं एक गल किसान करना, की बेगड़ा गल साहब करने ये कह वाले रहे ना। थे, अगर तुसी जट जी कबूतर बेचने ने ना,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਭੇਲਣੇ ਪੈਣੇ, ਬੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਖੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਅਗਰ ਜੋੜ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਗਰਮੀ ਚ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕਾਸੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਇਕਤਦਾਰ ਜੀ ਜੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਊਜ਼ਬਿੱਲਾ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੋਏ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੋੜ ਕਾ ਤਲੁਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਘਰ ਖੋਦਾ, ਉਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ, ਉਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਈ, ਜੋੜ ਉਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। आप देख ले, ज्यादा आपके परफॉर्म करने वाले जो बर्ड्स होंगे ना, या माँ का जोड़ बांधा या बाप का लाजम होगा, दोनों खुले वालों के बच्चे उड़ेंगे। ये नहीं कि नहीं उड़ेंगे, ब्लड लाइन उड़ेंगे, ज्यादातर साफ हो जाएंगे। जब उसके ऊपर जोर पड़ेगा, 5 बजे दोनों कबूतर बैठ रहे हैं, साजी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मैदान के प्लेयर हैं, ठीक है जी, मेरी बात तो करो ही ना। हमने उनसे क्लियर कर ली कि जी 2 कबूतर हैं, 5 बजे बैठ रहे हैं शाम को आपके, तो जिस वक्त आपका बाजी लगवाने का, स्टैंप लगवाने का टाइम आया, तो आप किसको लगवाओगे? उन्होंने कहा जी मैं बंद को लगवाऊंगा। ठीक है ना जी? तो सारी बात स्टैंप कौन बंदा करेगा जो उड़ा रहा है? तो जब उसने बंद को पसंद किया, तो हमें क्या मौत पड़ती है कि हम जोड़े के अंदर बंद वाला ना रखें? सर आपकी बात से ये साबित हो रहा है कि दोनों प्रवास एक जितनी कर रहे हैं, प्रवास में फर्क नहीं, इसका मतलब वापसी उसकी ज्यादा है जिसका जोड़ बंद है, मजबूती उसकी ज्यादा कर रहा है। मालिक का उसके ऊपर दमाद पता नहीं क्यों है। एक जोड़े दे, मैं साढ़े को ना एक जोड़े दे 4 बच्चे 5 उड़ रहा है, वो साफ हुए सी डा रहे हैं, वो बिचों 2-3 लंबी प्रवास करते हैं, कोई जल्दी बह जाते हैं। ये 4-5 असि इंसान हर किसी च ताकत अल्लाह लो है, इस तरह इन्हों की प्रवास किसी की वध किसी की घट है, हड्डी के बंद जोड़ता है, मजबूती हैगी, कार वापसी हैगी। डर डर वेखो जी, इधर 4-4 5-5 भैन भरा कट्ठे उठते होंगे, कोई 2 भी बह जाता, कोई 5 भी बह जाता, कोई 6 भी बह जाता। मेरे को एक बार 5 कट्ठे उठते भैन, वह बाबा जी 2 भी तो लैके ना तो शाम तक उठते भैन की गए ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਿਹਦੀ ਭਰਾ ਸੀ? ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਝੋਲੀ 2 ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ? ਲੈਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਝੋਲੀ 'ਚ 2 ਪੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਲੀ 'ਚ 2 ਪੱਠੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਉੱਡੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਉੱਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਲੋਕ ਕਈਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦ ਜੋੜ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੱਟ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। बाबा जी गर्मी में कबूतर जब वापसी आता है, कर लो आपको। मैं नहीं क्या कि हर उस्ताद नहीं दादा, कुछ उस्ताद का इकदाम ऐसे है जो नहीं दादे, जिस तरह के मनु ने शिकर का फोन आया कि यार मेरे उस्ताद ने 5 साल हो गए, मैंने तक एक आना नहीं दसिया। ये यही तो बात से तो वो आज खुश होके आगे बैठे है बाबा जी, देने का नाम है तो देने का, तो यही नहीं तो वो उस्ताद कहां से हुआ? तो उस्ताद क्यों? वो तो टीचर ही नहीं है। बस ठीक हो, वो टीचर जिसने कुछ नहीं दिया, कुछ दिखाया नहीं, वो उस्ताद की चीज है। एक और चीज, अब आपने देखा होगा अक्सर, कट हो या कोई भी चीज हो, जब तक शागिर्द अच्छी रोटी ना करे,
ये मेरी बात सुनो, वो उसका एक अपना प्यार है, वो अपना प्यार है। देखो चीमों को मैंने बड़ा मना किया, ठीक है जी, कि यार लाहौर में हमारा बड़ा कट है, ग्रैंड हमारा फंक्शन है, उसमें आप शिक्र तो कहा नहीं जी, हम डेरेदार लोग हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो कर लो। उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने सारा कुछ किया, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो सारा जी हार जो बनाया गया वो प्री प्लान था, अच्छा ठीक है जी, ठीक है। चलो जी ये तो प्री प्लान हो गया, जो सात किस्म के वहां पर खाने खा कर आए हैं, सात खाने थे वहां पर सात, बिल्कुल ऐसा मेन्यू होता ही नहीं है फंक्शन में। मैंने भी किया है, देखा कभी जिंदगी, मैं वही मैंने उस दिन भी आपको इस चीज की तायद की थी कि जो मेन्यू इन्होंने दे दिया खाने में कबूतरबाजी के कट में, आज तक किसी कबूतरबाजी में कट में हुआ ही नहीं है। लाइव बारबेक्यू हर चीज माशाल्लाह, फिश से लेके कितनी आइटमें थी वहां पे, लोग तो हैरान थे। देखो ना एक एक होता है शिगिर्द अपने दिल से चाहा करने वाला, नहीं नहीं सुन लो ना, पूरी सुन लो ना, पूरी सुन लो। अगर ये प्री प्लान हुआ होता तो फिर तो वो खाली एक कप जाएगा बुलाते, सारी सही गल है गलत है। उन्होंने तो 5-4 लाख रुपए 6 लाख रुपए उन्होंने ऊपर फेंक दिया, हवाओं में उड़ा दिया उन्होंने। तो उनको 5 लाख का हार किया कहता था या 10 लाख का, उन्होंने 10 लाख का बनवाना था, ठीक है जी, उनसे बनवाया नहीं गया, ठीक है जी, वो 5 का ही बना। और ये उनसे जाके कसमे कुरान उठवाओ कि तुम्हें पता था कि तुम्हारे उस आधे वापस करना है। बात सुनो, मैंने एक बंदे से सुना, रामी मानी कह रहा हूँ, वो कह रहा जब से मैं कबूतरबाजी कर रहा हूँ ना, इतना कच्चा मैंने आज तक ये इतना अच्छा नहीं देखा ही, कट जो चिमो वाला कट उस्ताद शाह ने मुझे कहा, अगली बात हो रही थी, अगर मैंने अभी पूरी जिंदगी में ऐसा कट नहीं देखा जैसा माहौल में बना सही। यार भाई देखें ये उनका प्यार है, उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, ठीक है ना जी। मैंने उनको एक ही बात की है, भजन आप 10 लाख लगाओ, 10 करोड़ लगाओ, मेरे लिए जैसे मेरे सारे शिगिर्द है ना, आप भी वैसे ही हो। बड़ी बात है, बड़ी बात के लिए। नहीं 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 कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। और अल्लाह पाक ने उनको भी पैसे में बोल नवाया है, कोई शक अल्लाह पाक और नवा दे जी सबको। देखो सादगी चेक कर लो, इनकी भी सादगी चेक कर लो, माशाल्लाह क्या क्या कुछ अल्लाह पाक ने इनको नहीं अता किया, ठीक है ना। ये जो फूफा करने वाले होते हैं ना, जो खाली भांडे होते हैं ना, वो खड़कते हैं, खड़कते हैं, पर हमारा भांडा कभी नहीं खड़कता। ये हमारे जो वड्डो ने जो मिसाल दी है ना, वो पक्की है, वो पक्की है। अब देखे उन्होंने एक बात ये भी वजाहत कर दी कि वो एक झोली में 2 भाई निकल रहे थे, एक झोली में 2 बहनें जो उड़ रहे थे, ठीक है ना जी। वाली बात आ गई, कट्ठे जो निकले हुए ना दोनों। अच्छा अब जब ये गौर करेंगे ना उसको, हमारा तो एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, वो अगर एक झोली में 2 भाई निकले हैं, एक झोली में 2 बहनें निकली है, जिस झोली में एक भाई और एक बहन निकला ना, उनमें से एक कम उड़ेगा, एक उड़ जाएगा ज्यादा, एक कम उड़ेगा। दोबारा तायद कीजिएगा ये बात जो भी की है, जब दसना था ब्याह में इस तरह लेकिन जो दोनों भाई इकट्ठे निकले हैं, दोनों बहनें इकट्ठी निकली है ना, वो अगड़ पिछड़ बैठ रहे होंगे, ठीक हो गया। थोड़े टाइम में सारे नहीं होते, 100% नहीं है ये बात, तकरीबन 60% 65-70% जो है ना, दोनों भाई दोनों बहनें इकट्ठे बैठ रहे होंगे, एक 2 बजे बैठा, एक 2:15 बैठ गया, ढाई बैठ गया, इतना ही फर्क होता है। ये नहीं है कि एक आपका 6 बजे बैठ रहा है शाम को, एक 6 बजे बैठ रहा है तो थी जोड़े के बच्चे। वो क्या होता है, एक नर और एक मादी होती है, दोनों नर दोनों मादी नहीं होते। अब आप देखें 13 तारीख कबूतर का बच्चा जलदार भी आ गया, कलसरा का दूबा भी आ गया, अब उसका नंबर एक और बना दिया, और उसका नंबर एक और बना दिया फलासरों ने, नहीं करना है ना, जिन्होंने बेचनी है दुकानदारी। अब मैं आपको 2 अलग नस्लें करके उसी के दोनों बच्चे दिखा दूं, आप मान जाओगे। एक अभी आपको तमाशा दिखाता हूँ, ला भाई दोनों भाई ले आज भले समझ था आपकी बात, ठीक है चक्कर तो पता है ना, खलीफा अभी नहीं बन गए। अभी आपको ऑन एयर एक आप तमाशा दिखा दे, ठीक है ना बाबा जी। अपना कबूतर पर्दी को बेहतर करने के लिए वैसे क्या करना पड़ेगा, यही करना चाहिए जो बाबा कर रहा है उसका साथ दो, जो शरीफ लोग साथ दो, और जो है छोटे मारो इनको नाम नहीं आदो। नहीं तो लोग कई बंदे में वेखे ने ओ भुखे अगे जेड़े खांदे नो पिछे ने, मतलब ओ उना दा पता भी कोई नहीं है, जब ना वो आ देनो ओ बंदे नु दूसरे नु। वालेकुम सलाम उस्ताद अब्बास मुगल साहब, वालेकुम सलाम सर। देखो मेरे ते ना अल्लाह दा बड़ा फजल है, बड़ी रहमत है मेरे ते ना, ठीक है ना जी।
कि मेरे जेडे नाल जेडे कबूतर मेरे भरा ने दोस्त ने मेरे साजा कराम ने बहुत मुखलस मेरे साजा कराम मुखलस मैंने दूजिया का किसी का नहीं पता जी पता है कि मैं रोलर रोल के इधर उधर धक्के धुके खा के जिथे आ गया ना ये सब तो चाहिए सर यूए में आपने कबूतरबाजी कितनी की है वहां पे 12-13 साल की बाजियां भी ऐसी होती हैं जैसी पाकिस्तान में होती हैं 11 या 7 कैसी बाजियां होती हैं वहां पे उनका जो टूर्नामेंट है वो 4 बाजी है और उनकी फैसलाबाद वाली कबूतरबाजी है फिक्स कबूतर है पाबंद कबूतर है पाबंद कबूतर है इस दफा उन्होंने चेंज किया है कि जो था अपना 4 कबूतर उन्होंने जो से ना लो जी आ गए नूर शफूरी जोड़ी आ गई ये सब 13,000 के बच्चे दिखा रहे हैं मां को ये सारी माशाल्लाह 13,000 की ब्रांड लाइन ਇਹ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 4 ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਜੀ ਕੀ ਪਕੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 13,000 ਕ 13,000 ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕਾ ਪੱਠਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜੀ ਕਿਸੇ ਰਸ਼ੇ ਇਸ ਕੀ ਚਾਹ ਪੜੀ ਉੱਪਰ ਪਰ ਹੈ ਪਰ ਪਰ पर बगल देखी बार वाले पर माशाल्लाह भाई देखो सारे पुछना चेक की जे पर चेक किते जे सारे एक चीज उत्थे आ रहे कोई चीज एदा तुसी बाबा साहब वाला लफ्ज बोल दिता फिर स्ट्रक्चर देखो अपना विशाल भाई ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹੋ ਖਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗਲੋ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਸੇਮ ਅਬ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪ ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੇ बात आ जाएगी जो माधी चेंज की थी उसमें कोई खून आ गया होगा तो उसकी वजह से ये मकोया निकला है दोनों यही है ना इसकी माधी लेकर आ और 4 नंबर कबूतर लेकर आ जो चाचा जी नाल 13,000 का पट्ठा है माशा अब आप देखिए जो मैं बातें आपको बताता हूँ इसके पहले भाई तुम्हें बांध और पार और ये और वो दोस्त पूछ रहे थे 13,000 का क्या रिजल्ट है क्या परफॉर्मेंस है क्या आया आपको कबूतर में मिल रही है हड्डी जोड़ और सेम सेम वर्जन सेम सेम अब ये देखिए इतनी कि मुझे पास कबूतरबाजी आती है कि एक कबूतर से बार बार मादियां चेंज की जा रहे हैं बच्चा चेंज नहीं हो रहा बच्चों का स्ट्रक्चर वही आ रहा है माशाल्लाह साइज वही आ रहा है दिल्ली पर हर चीज के लिए और भी वही पर भी वही मैं भी सारे पट्ठे पहले पट्ठे हां चेक कर लो जाके गुड्डे में क्या बात हर इंसान की अपनी अकल है कबूतर इधर क्योंकि असि शौक करने बंदे हाँ अच्छे कबूतर की जरूरत होती है अच्छा कबूतर की आंख मायने रखती है कुछ यार ने हर चीज में कोई ना कोई लॉजिक रखी है इंसान के सिर से बाल लेकर ना पांव के नाखून तक लॉजिक है ठीक है ना ये कुदरत है इसको किसी भी चीज पे चैलेंज नहीं है अब ये देखें इनकी ये माँ है अच्छा और इनकी इसकी ये बहन भी है इनकी माँ है और इसकी बहन भी है माँ भी और बहन भी किया गया था 13,000 कबूतर के साथ एक मादी लगाई ये बेटी पैदा करवाई अच्छा ठीक है जी सही 13,000 कबूतर के साथ एक मादी लगाई ये नर पैदा किया गया ये बहन भाई है सुतेले अच्छा
ये बहन भाई तेलों को लगाया, इनमें से ये पट्टी हुई, ठीक है जी। और सॉरी ये माँ नहीं, ये नानी है। अच्छा, ये इन बच्चों की नानी है, ठीक हो गया। इनकी पट्टी 13,000 के साथ लगाई तो ये दोनों निकले हैं। जबरदस्त, इसको कहते हैं लाइन ब्रीड, ये है मुकम्मल लाइन ब्रीड। सारी चारों पट्टे करें जी, माशाल्लाह लाइन ब्रीड है जो बाबा जी ने खुद तैयार की है। ये लो जी सारी है, ये 13,000 की ब्रीड है माशाल्लाह सारी। ऐ उस्ताद जी 13,000 दी धी भी है ते ऐ दो मकोया दी नानी भी है, मकोये दी ते उंदी जालदार भी ऐ नानी। आपने कितने कबूतर 7, 8, 9, 10 तो देख लिए, ठीक है ना। 10 में कोई कबूतर एक ऐसा आया आपके हाथ में जिसका जोड़ खुला हुआ था ना, ऐसा खर्चो भी सेम है जो मोदी जी आपको है ना, वो भी सेम है। देखे ये जाविया जोन सा ना जी, ये काशी करता है कि जोन सा बंदा कबूतर परवरी कर रहा है ना उसको कितना एक मालूम है। चाचे को देते चूड़ा पता ना चाचे को। अच्छा जी, माती अंडे देती है उसका जोड़ खुला हो जाता है। ताजी देना माती से जोड़ खुला है, फजूल बाद में लगा दिया आप लोगों को। ये माती ने जेड़ा गैर अंडे देने होंगे ने अगर जोड़ खुले कर लेती, मेरा ख्याल 100 कबूतरी होंगी, 100 के 100 के पकड़ लो, 100 के 100 के जोड़ बांध लेना, एक का भी नहीं खुला होगा। ये दूसरी इसकी बहन ला अपना 5 नंबर खाने की बात है, ये अक्कासी करती है आपको कि बंदा आके तो ब्रीडर भी है कि नहीं, इधर चबले मार रहा है। इनकी मैं आपको 6वीं 7वीं पीढ़ी तक अभी दिखा दूंगा, और ये ओपन बात है मेरी सारों के लिए, जेड़ा मर्जी उस्ताद आ जाए आके खुद चेक कर ले अपनी आंखों, जेड़ा मर्जी कबूतर परवर आए आके चेक कर ले। क्या बात, और ये नहीं है कि ये एक ब्रीड इस तरह कर रही है, मेरे साहब आप ही आ जाए इस बात में ना शामिल हो जी। मादी के लिए कहा जाता है मादी इस तरफ आ जाए ना, कुर्सी इस तरफ, मादी के लिए कहा जाता है कि मादी अंडे देती है इसलिए उसकी जो है ना जोड़ खुले हो जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी दुनिया कहती है यही बात करती है, ऐसा कुछ नहीं। आपने ऐसा देखा कि किसी घर में सारी मादियों के जोड़ ही बांधो, सारे कबूतरों के जोड़ बांधो, नहीं ये भी देखने में नहीं आया, बस ये घर है फिर देख लो फिर उधर। और मुनफरिद बाद अभी लाइव में दिखा देंगे सारों को कि हर जोड़े के नीचे बच्चे देख लो, या दो बच्चे नर होंगे या दो मादी होंगे, नर मादी किसी के नीचे आई ही नहीं, एक ही कुलिया बाबा जी साजी यही दे कुलिया। सर 20 साल लगते हैं सर सिकन से, नहीं जल्दी दस दी नहीं नहीं मैं तो वो नहीं सारी गल्ला सारी जो गल नहीं हो रही थी साजी, है यही वजह है कि किसी भी कबूतर 10वां बाहर आया, किसी का जोड़ खुला आया ना, किश कौशल ना बाबा जी एक क्वेश्चन है, कहते हैं जोड़ तो सेठ वालों के भी बंद है वो क्यों नहीं उड़ते। यार मैं एक बात नहीं बाबा जी, मेरे को बंदे ने क्वेश्चन किया है बाजी, मेरे को मोमी नोक इधर नहीं बाबा जी, बिलकुल सारे मोमी नोक मेरे को जोड़ा सी, मैं उन्होंने बच्चे कसूर कले कसूर भी उन्होंने बच्चे जेठ के 3-3, 4-4 भी उड़ते पैने, और मेरे को मौजूदा मेरे को उड़े भी ने जोड़ा ला दिता, और बच्चे क्योंकि सानू डर का शौक है असि कहने बेचने सन, मैं छे इधर मेरे सेठ वाले मेरे को ये रीड पी प्योर ही डाए जी बाबा जी उठते पैण नतीजा ये होता है। क्या काली नोक वाले उड़ते हैं सारे, क्या जिनकी वराज लाल होती है वो सारे उड़ते हैं, क्या कोई भी कबूतर है क्या वो सारे उड़ते हैं, बातों से काशी कर लो ना बात की। मलक साहब ने कहा एक ही जोड़े के बच्चे हैं, कुछ उड़ते हैं कुछ नहीं भी उड़ते, ठीक है जी। इसी तरह जो बर्ड है ना जी, हो सकता है इनके पास जो खून है उन कबूतरों के अंदर जो उनके में जीन्स है सुपर डिग्री है, परफॉर्मेंस जीन्स है, परफॉर्मेंस जीन्स वो जो मैं कहता हूँ ये होता है परफॉर्मेंस जीन्स, मैं उड़ा हुआ लाता हूँ जो खुद शाम तक उड़ गया, अब उससे अच्छा कौन सा है।
शाम तक उड़ गया था नहीं उन्हें तो चला गया ये बाबा जी वाली बात ये साढ़े स्तार ने क्या सी कहना बिशारत कबूतर कहना तू जोड़े पाना ने डाके ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे ऐसे उड्डे ने कई जेड़ दे विच रात रह गए फिर उन्होंने कहा यार ये अगले दिन ही वापस घर आने इन्हें जोड़े पाई इन्हों के बच्चे डाई इन्हों का मजा लिया फिर एक भाई का सवाल आया जी अली भाई बाबा जी से सवाल करें कबूतरी ज्यादा उड़ती है कि कबूतर ज्यादा उड़ता है प्रवास दोनों में से कौन करता है नारी तो वाली बात होगी औरत में अकल ज्यादा बंदे में अकल है बात करने वाली करो यार दोनों ही उड़ती हैं मादियां भी उड़ती हैं नर भी नर भी उड़ते हैं हां जी पुराने उस्तादों से ये सुनने में आता था कि जी अच्छा जोड़ा है ना आपका पास जोड़ा है जो जिसके बच्चे उगते हैं रात में अगर उसमें से कोई ऐसा बच्चा निकल आया कि जो नहीं उड़ता तो वो जोड़ा के काबिल होता है ये बात में कितनी सच्चाई है कई उस्तादों से ये लफ्ज बने सुने मैं नाम नहीं लूंगा कई उस्तादों ने ये अल्फाज कहे पुराने उस्तादों ने नहीं नहीं अब की बात नहीं कर रहा पुराने उस्तादों की बात यार मेरी बात सुने ना देखिए जी जिसने ये बात की होती है ना वो ही इसका जवाब दे सकता है नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इससे कितना आप मुत्तफिक हैं इस बात से मेरे भाई जिस वक्त अपना पुराने उस्तादों की बात करो ना तो पुराने उस्तादों की जरा गर्मी निकालो कौन सी गर्मी में भूत उड़ाते थे ठीक है ना जी मैं किधर और की बात नहीं करूंगा मैं एल लाहौर की बात करूंगा जब हम छोटे छोटे होते थे ना उदो पांचवें महीने की बात ही थी मैं गलत गलत नहीं कर रहा ठीक है ये टेम्परेचर तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर तो बाद में आए हैं हार्ड में तो कोई कबूतर ही नहीं उड़ाता अब तो कहते मैं ना हार्ड का पर्चा लिख पहले कहते हार्ड का पर्चा लिख हूं कबूतरबाजी सारे साल दी है असि जी सारा साल बाबा जी डांदे रहते किस दिन बड़ी धुंध पई है उस दिन बच्चे मैं टांके खोले समान बड़े थले धुंध आए नहीं है दो तीन अगले दिन आए ने धुंध नहीं हूं तक कबूतरबाजी सारे साल दी है अभी जो है ना कोई भी बात है ना उसको ना अपने इसको ना वेंड अप कर देना चाहिए क्योंकि हमारी फिर अपनी जो गुफ्तगू है ना बस जो हमने करनी थी वो हमारी जो होती है ना वो सारी फजूल हो जाएगी ठीक है ना जी इतना मेरा ख्याल है नॉलेज इन लोगों के लिए काफी है इतने टाइम से दे रहा हूँ जो सीखने वाले उन्होंने सीख भी लिया जो नहीं सीखने वाले वो उनके लिए जैसे कहते हैं ना किताब पढ़ने के लिए तो वो जो था उस इलम है ना पढ़ने वाले के लिए वो किताब है रद्दी है उसको क्या पता तो ये आपके केज हमने देखे हैं माशाल्लाह बड़े ही अच्छा ये भी बात अब इधर ही गुड्डे में आके साथ जी, सारे जी, आ जाओ जी जी चलो चलो केज के हवाले से बात की है तो बाबा जी हमें केज की तरफ लेके जा रहे हैं जी बाबा जी माशाल्लाह अपने केज दिखा रहे हैं जी बाबा जी चेक करो आगे देखो एक मिनट हाँ जी आप क्या बात है सबसे बड़ी बात ओन ईयर साजी आओ क्या हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्या बात है बाबा जी साजी तुम बच्चे चेक करो हाँ जी साइज उन्होंने चेक करो जी जी ठीक है जी जिधर जिधर आपका मीर साहब आप चेक करें जी जी मैं देख रहा हूं मैं कहां के हूं यार साइज चेक करें चेक करें मैंने दिखाई है ये चीजें सारी पहले शुरू मैंने यहां से किया जब बच्चे दोनों सेम साइज के होंगे ना या वो दोनों भाई निकलती है दोनों बहनें निकलती है बहन भाई नहीं होता अंडे हैचिंग सेम होते हैं चंद घंटों के ऊपर फासले पर ठीक है ना जी किधर भी किसी भी कबूतर के भी ताते कोई बच्चे निकले होंगे ना वो देख लो बिल्कुल दोनों सेम होंगे क्या होता है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है अगर ये इलम ना होता तो ये इलम जो दर चार पांच उस्तादों को मुझे पता है जिनको पता है जिधर मैंने ये बात ली थी तो उनके हाथ में कबूतर जाना चाहिए तो बता देते कि ये बेटे और बेटियां निकालता होगा ठीक है जी चार पांच को मुझे पता है और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे सीख के अब मेरे हाथ में जब वो कबूतर आता है ना बांट जाता है तो मुझे वो फील देता है मैं उसी टाइम बेसाख्ता होकर बोलता हूँ कि ये तुम्हारा कबूतर दो नर दो मादी निकालता है फिर वो बंदे भला फिर क्या कहने शुरू कर देते हैं बाबा कोई इलम पढ़ता है आपने नाम के साथ बाबा तो आठ साल पहले लोग भला की कहते थे एक कबूतर भाई जब नमूना आ गया जेड़ा कहता दोवे बच्चे इकट्ठे निकलते हैं सही तो जी नतीजा थोड़े सामने बच्चे
जो बाबा जी किस तरह कह रहे हैं बिल्कुल उस तरह ही बचे। अच्छा अपना मदर साहब आप पिछाद भाई अज मैं देखा अपनी अखा ने जी कहते हैं कि एक दिन के दो इंडे निकलते निकले दिखाओ ये सात में केज में जी चलो तस्वीर की चीज आज पाजी टोपी चढ़ी चढ़ी आपने अपने हाथों से निकाली जी जी भाई जी चार दिखा रहे थे तो अभी ऊपर बैठी थी मादी वो उस अंडे का वो देखो खोल दिए मैं दोनों ये देखो जी अंदर ठीक हो बच्चे भी कट्ठे निकले हां जी जी क्या देना फर्क दे अच्छा आज टाइम में हार से देख लो जो दोनों मैं क्या देख लो फोटो के सामने क्या बात है बाबा ये भी पहला सीन जो जिंदगी का हां जी हां जी मैं वही मैं परेशान ना है यार वो देखो ना एवी गर्ल सेम देखो साइज बच्चे ना तो जी क्या देखो माशाल्लाह बराबर कट्ठे बच्चे निकाले कट्ठे अंडे ले लो उनके सामने उन्हें तोड़े ने अपने हाथ में हां लेकिन मैं पसंद आया उन्हें कहता लगाया निकालो दिखाओ हां देखियो ते ओ सामने देखो दो में सही ये देखिए अगले बच्चे भी माशाल्लाह सेम साइज है दोनों का कोई फर्क नहीं है ये देखो वो नीचे भी है तो बिस्मिल्लाह ये ये भी साइज का भी सेम है माशाल्लाह लो जी साजी चेक कर लो क्या बात बारा लो ना बाबा जी है कड़े कट्ठे अंडे देना ना क्या बात है साजी सारे इधर है चुंदे ने है अच्छा हां जी घंटे में ही टूटते ने क्या नहीं बाबा जी कभी इसका कोई फर्क हुआ हो के एक दिन अंडा आया हो अगले दिन अंडा दूसरा दिया हो ये मारिए देती दूसरे अंडे है दूसरे दिन ही अंडा है नहीं दूसरे दिन ही उकास पई है तो अच्छा दूसरे दिन देती है हां दूसरे दिन गया चीज की कटी होती है ये क्या चक्कर है ये कुदरत है इसमें किसी का कोई जोर नहीं है जो सामने ये भी कठी अंडे देता है नहीं है देखो बच्चे बच्चे दे लो ना साजी ऐ फॉलो मत मार ये नहीं ठीक है बच्चे आगे पीछे कर ले दो दे कर ले तीन दे कर ले सारे भी कर ले हेलो सब दे देना कितने हां ये जी हेलो तीसरे जोड़े के पीछे बिल्कुल सेम है ये बाबा जी देख के खाना को बच्चा ज्यादा अच्छा पलता ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਨੇ ਥੱਲੇ ਤੀਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਇਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੈਠਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਜੀ ਐਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿੱਖੋ ਵੇਖੋ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਾਲਤ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਦਾਣਾ ਜੀ ਖਿਲਦੇ ਆ ਕੀੜੇ ਛੇੜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ ਮਰਗ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ गल करनी बहुत आसान है जेड़ा मर्जी बंदा गल कर सकदा बिलकुल लो जी खाली गल ही कर दे अमर करा के भी विखा दे बाबा जी मान गए आप नतीजा कढ़ना काफी फेसबुक मसला मसायल हो आपको आई लव यू मेहरबानी दिल से
आप शहजादे बने, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र सेहत रुसी दे और ऐसे लोगों के आप इसको बंद करो और खाना खा लो। मैं वही कह रहा हूँ, अब आप इसमें बैठे खाने भाई। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें दिल से जो सा ना और मैं ईमानदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ, अपने ईमान और अपने अल्लाह को हाजिर नाजर करके कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। या मैं आप लोगों में शऊर लाऊं कि लोगों की माँ बहन इतनी फजूल नहीं है जिनको आप लोग गाली, आप लोग ही भक्ति हो। बड़ी बड़ी बात है, देखो अजकल कौन सा बंदा आपके घर गया आपके पीछे पड़ा के जी मेरे से कबूतर ले लो, खुद गए हो ना। ऐसा ही तो उसकी माँ बहन को गालियां फिर क्यों निकाल रहे हो? आप कपड़ा लेने जाती हो उसके अंदर अगर टुक लगाओ लोगे, लोगे सब्जी फल जो खराब दागी लोगे, ठीक है जी। परिंदा जाकर उसको कहती है कि अपनी मर्जी से दे दे, क्यों आपको इलम नहीं है? बिल्कुल, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इलम आए और जो कचरा माल है ये सारा मर मुक जाए, खत्म हो जाए, कोई लेगा नहीं तो लादम बाद वो दिबा हो जाएंगे या बिल्ली बकरी का कोई जो सा है। बस जो आप ये बिजनेस है वो जो लोग बिजनेस करते हैं इसके ऊपर वो ठप करवाना चाह रहे हैं अपनी पसंद की चीज ना वो। यार मैं कहता हूँ बिजनेस करो, सिर्फ अच्छी चीज देख, ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो, अच्छा वर्ड से बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब क्या करते हैं वो, एक एक बाहर करके निकालते हैं दरवाजा अंदर से बंद रखते हैं, समय लगी ये देखे ये देखे, समय लगी ऐसी बातों से ना कबूतर गैप कर लेते हैं, जोड़े गैप साइड से कर लेते हैं। लाहौर सरजमी पे इस तरह के इंसान बहुत कम है। मैं आपको बताता हूँ बाबे भर के सारे उस्ताद हो यार, कोई सवाल नहीं फैसल ने भी अपना लड़ा कर ले तो बाकी बाबा जी एक बार फिर ग्रेट मैन आप ग्रेट स्टार, खुश किया आपने आज हमें, ठीक है। देखो आप लोगों का दिल करे कि जब आपके पास टाइम हो आपको यार हमारा भाई आया हुआ बड़ा कुछ लेके जा रहे हैं आपसे आज भाई जी, ऐसे ऐसे उस्ताद ने बाजिया के दौरान बंदे थले खड़े कराने होते हैं, अगर दरवाजे नहीं खोलने कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। सर ऐसे ऐसे उस्ताद भी नहीं, उन्होंने जाओ सादा पानी का गिलास भी नहीं रखते यकीन कर रहे हो, ऐसे ऐसे उस्ताद ने मिले नसीब खाना असि तो बड़े तो अपने ही सुने बाबा जी, बंदे कह रहे हैं बाबा जी की बातें सुन के बाबा जी से मिलने को और शौक करने को भी दिल करता है उनके साथ बैठने को। जाहिर बात है अच्छिया गल्ला अच्छा प्यार है, आप तो आए लाल ये भी माशाल्लाह लाहौर के नॉमिनेट खिलाड़ी और चैंपियन खिलाड़ी है बशारत। उस्ताद मोहतरम आपने लोगों को बहुत सा इलम बांटा है, लास्ट एक क्वेश्चन मेरे ऐसे बंदे न्यू कमर में अगर पेयर लगाना हो जोड़ा वो किस तरीके से लगाएगा, क्या चीजें देखे, कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जोड़े में वो जोड़ा लगाए आपस में? अगर मेल के जोड़ बंद है दोनों में एक ही जोड़ कोशिश करें कि बंद लगाए, ठीक है। देखिए उसमें ना बहुत काफी सारे पॉइंट आ जाते हैं, उसमें बगल आ जाती है, ठीक है जी। कबूतर की बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है ना। चलते हैं मार ताजी, हाँ, जी जी चलेंगे ताजी, अगला कुटा भी चेक करना। उस्ताद जी जोड़े वाली बात कंप्लीट कर ले फिर वो बात बीच में रह जाए फिर हम बाहर आ जाते हैं। नहीं यार मैं बता दूंगा। अच्छा अच्छा ओके ओके, ऑन एयर में बता दूंगा जी, ठीक हो गया। बाबा जी ग्रेट पर्सनालिटी के, जिन जिन बच्चों ने खाना खाना वो अपना खाना खा लो, अंदर खाना लगा हुआ है लगाओ लगाओ सारा को खाना खिलाओ तो लगाओ जी जी आ जी आ जी। किसी बंदे को मना किया कि अंदर गुड़े में ना जाओ भाई, लोग बड़े हैं अपनी मर्जी से बड़े हैं माशाल्लाह सारे दोस्त, जो मर्जी चला जाए ऐसे ही
केज देखे जी माशाल्लाह, केज बहुत मजे के। आ जाओ शो करना, देख लो, आ जाओ परिंदे देख लो। और देखे माशाल्लाह, और दो से बाप भी आए हुए। आहो जेडे मर्जी कबूतर देखे, अजय ते नहीं पाना। बस मेहरबानी ये करना, जिन्होंने अंडे दिए होना उनको उनको टच नहीं करना, उनको टच करोगे तो वो फिर तंग आ जाएंगे ना। बाबा जी इधर ओ चाहिदा है, माटियां नहीं वहां पे चिट्टी कबूतरी देख रहे हैं सफेद, वो कौन सी नस्ल में, उसका भी शौक रहा जरा ओला का नस्ल भी है। ये जो है ना, जो ये चिट्टे मिट्टे तुम देख रहे हो ना, ये चार कोटी कबूतर। अच्छा अच्छा अच्छा। और माशाल्लाह हमारे पास ये परफॉर्मर कबूतर है दुबई के अंदर। क्या बात, ठीक है जी। हम ये उनको उधर से उड़ा उड़ू की हर चीज से लाए। अब देखो ये नस्ल चेंज हो गई, क्या देखो कि ये इसमें वो चीजें खत्म हो गई जो दूसरी नस्ल में ताजी सेम ही गल है सारे जी। अच्छा बाबा जी, असि लाहौर के विच सियालकोटी कबूतर जी जी बाल भाई जरूर करवाना मैं उसा जी, तुसी चंगा देखिया नहीं सही, असल सियालकोटी नहीं देखते ना, चंगा देख रहे सियालकोटी लेकिन गर्मी के टेम्परेचर नहीं होती दुबई तो ज्यादा पाकिस्तान थर्टी टेम्परेचर मेरे को तकरीबन सत्ती तो बाहर ही मिले ने ज्यादातर लोग जो उधर लाइक कर रहे हैं ना सियालकोटी और टैडी का क्रॉस पसंद कर रहे हैं। अगर सियालकोटी गंदा है तो फिर सियालकोटी को क्यों क्रॉस किया जा रहा है? हाय हाय, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। उसको क्यों खाली ये नहीं है जरूरी कि उसको ताजी सियालकोटी है, ठीक है जी। शौक रहेगा बाबा जी जिस वक्त अभी लाहौर के अंदर बयालीस तरतालीस टेम्परेचर जब वसाख में आया था, जिसकी वजह से कई कई जो है लोगों के बेचारों के कबूतर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। सियालकोटी कबूतर है जी, ठीक है जी। बाबा जी कह रहे हैं ये कबूतर खुद, ये कबूतर बच्चा था दो पर का, दो या तीन पर का, छह बजे के बाद बैठ रहा था जी दुबई में। नहीं इधर, नहीं नहीं, मैं कमेंट में बता रहा हूँ इधर। ताजी गल भला की सानू लाया ट्रक की पत्ती, मगर उन्दे वाला तो है, उन्दे वाला दूसरे में कबूतर पर दिखाई मेन चीज है कबूतर रात बताऊ आज ही जी 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 रात ही देख पूछने में आए इतनी दूर से सफर तय करके फोन खत्म हो जाए साजी का फिर बता दो वो हम बात कर रहे थे जोड़े की अगर जोड़े रात बताता हूँ अच्छा जी डन हो गया हमारे से न्यू कमर्स को आपने टिप्स भी देने सोना पे सोना पे ये फिर जट है, पिपला ग्रुप से इनका ताल्लुक है। अच्छा मैंने आपको बताया ना यार ग्रुप क्या होती है, सॉरी
मैंने आपको पहले ये बात की ना ग्रुप की, मेरे लिए जी जी मैं वैसे बेशक बेशक मैंने तारुफ करवाया अली। एक भाई ने सवाल किया जी पिपला वाले कबूतरों की दुम खुलती है और भी और पर भी इतने ही अच्छे नहीं, लेकिन परवाजें शाम शाम तक, इसका सिर्फ मतलब ब्लड उल्टा है तो करे ना दुम खुलती है ना पर इतना अच्छा, लेकिन परवाजें उनकी शाम शाम तक है, ये क्या बात है? पैरों के बाल ने प्रमोशन। हां मेरे भाई देखिए बात ये है, इलाकाई कबूतर होते ठीक है ना, इलाकाई कबूतर होते जब वो दूसरे इलाके में जाके उसी अंदाज में उसी तरह में कबूतर परफॉर्म करेगा ना फिर वो बात स्टैंपर्ड हो जाएगी, वो बात फिर उस वक्त स्टैंपर्ड होती है जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में सेम सेम कबूतर उड़े, हर इलाके का कबूतर है जी। उन्होंने अपने इलाके के हिसाब से मेंटेन कबूतर किए हैं ठीक है ना जी, दूसरे इलाके में लेकर जाएंगे उनको उस इलाके के हिसाब से उनको मेंटेन करेंगे तो उड़ेंगे जी। ये बिल्कुल फजूल बात है कि जी वहां पर उड़ता है तो यहाँ पर नहीं उड़ सकता, यहाँ उड़ सकता है तो वहां नहीं उड़ सकता, इलाके के हिसाब से उसको मेंटेन करना पड़ता है ठीक है जी। जब आप मेंटेन करोगे तो उड़ेगा, तो बात ही नहीं रह जाएगी बाहर चलने बाहर ही देंगे। आजो अंदर देखना आप लोग, देखो आप लोग अब जी जोड़े का बता दें फिर मैं बंद करूं, फिर मैं तैयारी करूं यार। मुख्तसर अल्फाज में आपको बात बताऊंगा कि पॉइंटों की गेम है ठीक है जी। मैं अगर बता भी दूं कि जी हड्डी ऐसी होनी चाहिए, जोड़ ऐसा होना चाहिए, पारा ऐसा होना चाहिए, उसको देखना ना आए तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं उधर क्या करूंगा? बिल्कुल लो जी उस्ताद जी ये भी सियालकोटी का उतरेगा, चेक करो। हाँ ये जो सियालकोटी है जी बिशारत भाई, देखो इसे आज गड्डी के ऊपर दूसरे आदमी पकड़े नहीं जी, ये भी सियालकोटी कबूतर है बाबा जी कह रहे हैं। माशाल्लाह सियालकोटी कबूतर है, दसो ना किस तरह से सियालकोटी देखे, किस तरह से सियालकोटी देखे कबूतर पकड़ के ला। दोबारा बात की गई बाबा जी, या उसकी मादी लेकर नस्ल की इक्कासी करती है नूर के ऊपर का रिंग, रंग नहीं जालदार कबूतर है, लाल सुरख आंख का है, क्या बोलोगे आप उसको? जालदार कबूतर है लाल सुरख आंख का, क्या बोलोगे? बेसाख्ता होके बोलो, टेंशन वाली बात नहीं है, दूसरी बोलोगे। अब वो कबूतर जालदार कबूतर है, जालीदार आंख का है, अब उसको क्या बोलोगे? सियालकोटी बोलोगे। अगर वो सफेद आंख का होगा तो उसको क्या बोलोगे? तो रंग तो तीनों का जालदार है, नस्ल किधर गई फिर? नस्ल किधर गई? भाई जी उस्ताद जी इधर लेकर आ यार कबूतर, ऑन एयर दिखाते हैं, इसके नूर के ऊपर का रिंग देखो किस रंग का है, सब देखो काला कबूतरी की है, सियालकोटी की है जी, कन्फर्म है ना? अब इसके नूर के ऊपर का रिंग देखो कौन से रंग का है जी, एक मिनट बस मैं इसको फोकस कर दूंगा।
मतलब कबूतरी देख ले, मतलब मुझे भी समझा देना कोई लॉजिक को समझा। तो ये भी सियालकोटी है, अब बोल रहे दूसरा। ये देखो अब इसके नूर के ऊपर का रिंग देखो, काला ये लो जगह दे लो यार। अच्छा एक और सियालकोटी, इसका नर लिया, उसका नर भी लिया, एक अभी हमें दे देते हैं यार, कोई टेंशन यार आपने दूते हैं आपको अच्छा टाइम दिया आप कबूतर ने ना फिरोजपुरी के कमगर जो नूर काला रिंग नहीं देखे फिर किसी ने तुम फिरोजपुरी करके दिखा दिता मने मने क्यों लो जी है कन्फर्म केड़ा कबूतर बटेरा बटेरा लो नूर के उत्ते लाइव रिंग दिखाओ के सू ट्रक की पति मगर लाया ना सादा ने केड़ा सा जी रिंग काला इधर ही रखी जै तेरा दा अपना अपने वापसी बड़ी थी कबूतर दसो ना वापसी तुसी देखी है गल करा करो खोल के यार कोई मसला नहीं करोगे तो पता सीखोगे बहुत ज्यादा लगता है अहमियत भी है हर चीज की तुसी देखिया भी नहीं फिर तुसी किस तरह गल कर रहे हो किस तरह तुसी फर्क की इस चीज की कि मुलाजमियत भी है ते पर थे अच्छा उस आज कबूतर देखिया कि गोशल है ठीक है जी अल्लाह खैर करे अल्लाह की जिंदगी रखे इन्हें मादी होगी तकरीबन 5 महीने हो गए अंडे दे रही हूं झोल पूरी है उन्हें इनके बच्चे निकल आए ना हूं ने कह रही ये दोनों बच्चे ना थोड़ी छत मैं उड़ाने ने सही ये बच्चे थोड़े घर जाने ने इनके दो ते फिर पता लगेगा लाहौर च केड़ा बंदा हैगा आखिर क्या होगा चैलेंज बड़ा बड़ा है बड़ा बड़ा चैलेंज ये ने बच्चे काट देते मादी ने अंडे देते इनके बच्चे मैं थोड़े घर ही देने ने तुम उड़ा के चेक कर लेना ओ यार अभी खाम का वो सियालकोट कितने अमेरिका च ही गया वो भी साडा ही गया वो सियालकोट भी साडा कसूर भी तो पाकिस्तानी नहीं हो मुस्लिम नहीं हो बहुत अच्छी बात कबूतर ने वेट नहीं की लाल अखा आ गया उन्हें नूर के उरा वो जिस तरह उन्होंने काला आंदा पे वो करो ना जरा वो सानू करके दिखाओ ये की कबूतर है मेरे पास लाल अखा और ये अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर है अब इसका जोड़ भी खुला है जोड़ भी सख्त है इस कबूतर के बच्चे नहीं थे घर बैठते हमने इसको बैलेंस कर लिया मादी बैलेंस लगा दी क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस जीन्स है खोल सारी इन आ रहे कोई काला पुना आके नूर दे उते गल दी काफी हो गई सारे दी नस्ल कित्थे हैगी नूर दे उते दे रिंग च जेड़ा गोरा भी है टपदा मरदा फिरदा पिया बाबा जी लोग कह रहे पहले रिंग और आखिरी रिंग के बारे में भी बताएं वो सारा कोई पूछ लेना हूं ही तू ये कमेंट कर रहे हैं भाई आके मेरी मूवियां चेक कर लो मैं लिख के आया कमेंट कर रहे हैं लोग आज मैंने लगता पहले दिन सुन रहे ने फिर सारी वही गल्लां जेड़ी मैं रोज करना हाय हाय नसला दी काफी कर दी थी ये रिंगा च देखो जी ओन एयर सारा कोई दस रही है ना हां क्या बात है क्या बात है ओन एयर दा हुन हर बंदे दा अपना ज़हन होना चाहिए सीखने वालों आप सीखना चाहिए और बाबा जी ने घर घर जाके तो नहीं ना दसना इधर बंद दुम्ब हो बंद जोड़ हो दसवा पर छोटा हो बंद ना करें भी बंद करने में खाना खा ले जोड़ खुला है ना ओन एयर बताओ खुला है ना परफॉर्मेंस के ऊपर रखा है हो सकता है इसी कबूतर का मेरे घर में दसवा पर बढ़ाओ बाकी टोटल जिधर जिधर जो कबूतर जोड़ो के अंदर लगे हुए ना
सबका देख लो, किसी का जोड़ खुला होगा तो बात कर लो। और इसके साथ जो माती लगाई है उसका भी ऐसे पैक है। पिताजी ये कितना उड़ा हुआ? ये खुद नहीं उड़ा हुआ, इसका बच्चा जो था ना जेड के अंदर रात कट जाता है, बैठते नहीं है ये, इसको बैलेंस ही है, बच्चा छोड़ा है, बच्चा शाम तक उड़ गया घर में बैठे। और ये मेरे शिकिरत का कबूतर जहाज का, 5 साल उसके घर में ये रद्दी था, रद्दी थी, उसका घर ही नहीं आना, उसका वायदा क्या रखने का। लो जी स्टॉप करो, पिताजी एक ले जी इजाजत दे, इंशाल्लाह अब इजाजत देते हैं, फिर इंशाल्लाह लाइव आएंगे कल तकसीम तकरीब इनामात है पंजाब के गुजरात से वहां से। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का।